आज आजादी के 74 वर्षों के बाद चरखा चलाने वाले उसी देश के लोग दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं और इनमें अब एक नया नाम जुड़ गया है। होम द बिजनेस कॉन्फिडेंस अमंग इंडियन सीईओज इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। गूगल, विमियो, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी एंड आईबीएम ऑल मेजर यूएस बेस्ड टेक कंपनीज ऑल लेड by CEOs with roots in India. Parag now joins the growing list of Indian origin CEOs who are leading US firms. From Google to Microsoft to Twitter to Adobe, you name it, and Indians are leading these tech giants. Desi boys are running the big tech show and calling the shots. He was promoted as the first deputy managing director of the IMF. They've both added their names to a growing list of Indians serving at the very top of prominent global organizations. कई सालों पुरानी बात है, एक आदमी ट्रेन में सोया हुआ था। अचानक वो अपनी नींद से जागा और उसने सीट के ऊपर जो अलार्म चेन थी उसे खींच दिया। ये चेन डेंजर चेन थी जिसे खतरे के समय में ही खींचा जाता था। ट्रेन थोड़ी आगे जाके रुक गई। सबने उसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि ट्रेन की पटरी आगे टूटी हुई है। सबने उसे कहा कि इतने अंधेरे में उसे कैसे ट्रेन की पटरी दिखाई दी, जिसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पर आगे जाकर जब कुछ लोगों ने देखा तो पटरी एक्चुअली में टूटी हुई थी। अगर ट्रेन उस टूटी पटरी के ऊपर से चली जाती तो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती। जब उसे पूछा गया कि उसे कैसे पता चला, तो उसने कहा कि जब ट्रेन चल रही थी तो वो उसकी आवाज नोटिस कर रहा था। अचानक आवाज भी बदल गई, जिससे वो समझ गया कि ये तभी मुमकिन है जब एक्चुअल में ट्रेन की पटरी टूटी हुई हो। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया थे, जिनके बर्थडे 15 सितंबर को हम इंजीनियर्स डे भी बनाते हैं। अब ये कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के कई ऐसे सारे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने आगे जाकर दुनिया में ऐसे चेंजेस लाए जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। ये लोग आगे जाकर बड़ी से बड़ी कंपनीज के सीईओ बन गए। ये तो हम जानते ही हैं कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ तक कि ट्विटर के सीईओ एक इंडियन ही है, पर कई ऐसी सारी कंपनीज है जिनका नाम तो आप जानते हैं पर ये नहीं जानते कि उनके सीईओज भी एक इंडियन ही है और वो इंजीनियर्स हैं। तो शुरू करते हैं उस इंडियन सीईओ से जिन्हें कई बार हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय का खिताब मिला है। इवन दो इलॉन मस्क जैसे बहुत से सीईओज हैं जो अपनी कंपनी से खूब सारा पैसा लेते हैं, पर फर्क ये है कि ये सीईओ अपनी कंपनी के फाउंडर नहीं है। ये इंडियन सीईओ और कोई नहीं बल्कि सुंदर पिचाई हैं, जो कि गूगल के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई एक ऐसे घर से आए हैं जहां ना उनके पास टीवी था और चार मेंबर्स की पूरी फैमिली एक ही स्कूटर पर बैठ के ट्रैवल करती थी। पर क्योंकि वो होशियार थे इसलिए किस्मत ने भी उनका साथ दिया। कहा जाता है कि एक बार उनके अंकल अपनी वाइफ को कोई नंबर बता रहे थे नोट करने के लिए। सुंदर वहीं पर बैठे थे और सुन रहे थे। अंकल ने नंबर बताया लेकिन उनकी वाइफ ने नोट नहीं किया। कई महीनों के बाद उन अंकल ने सुंदर से नंबर के बारे में पूछा तो सुंदर ने फटाफट नंबर बता दिया। इतने महीने बाद भी उन्हें बाय हार्ट वो फोन नंबर याद था। इस एक्सेप्शनल मेमोरी के अलावा वो इंटेलिजेंट भी बहुत है। उनका सिलेक्शन आईआईटी खड़गपुर में तो था ही, पर बाहर पढ़ाई करने की उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी। कहा जाता है कि उनके डैड ने अपनी एक साल की सैलरी सुंदर की फ्लाइट टिकट में ही लगा दी थी। अमेरिका जाकर उन्होंने एक बैग खरीदा और उस बैग के लिए भी उनको एक महीने की सैलरी देनी पड़ी। फिर भी आगे जाकर उन्होंने गूगल में इतना अच्छा परफॉर्म किया कि वो गूगल के दूसरे सीईओ बन गए। अब सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा एक्सेप्शनल क्या किया था। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर था इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि विंडोज डेस्कटॉप और लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल होता था, और इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल होता था। गूगल ये बात जानता था कि वो माइक्रोसॉफ्ट पर कितना डिपेंडेंट है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कभी भी उस डिफॉल्ट ब्राउजर को चेंज कर सकता था। और एक्चुअल में हुआ भी यही। एक दिन माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल की जगह उसे अपने दूसरे सर्च इंजन बिंग से रिप्लेस कर दिया। रातों रात गूगल अपने 3 मिलियन कस्टमर्स खो बैठा। इस समय सुंदर ने यह सजेस्ट किया कि गूगल को अपना एक ब्राउजर बनाना चाहिए। गूगल टीम में उनकी कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि सब समझते थे कि ब्राउजर का मार्केट ऑलरेडी इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोज़िला फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर्स ने डोमिनेट किया हुआ है। लेकिन सुंदर की बात मानने वाले दो लोग थे और वो थे गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। वो जानते थे कि अगर उनके प्रोडक्ट में दम है तो मार्केट में लेट आने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार गूगल भी तो ऐसे टाइम पर आया था जब याहू जैसे सर्च इंजन ऑलरेडी मार्केट में थे। इसलिए सुंदर की बात उन्होंने मान ली और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ओपन सोर्स ब्राउजर बनाएंगे। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी इंसान या कोई भी डेवलपर खुद उस ब्राउजर में कुछ भी कोड कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसे वैसा बना सकता है जैसा वो चाहता है। और उसी का नतीजा बना गूगल क्रोम, जिसने आज इंटरनेट एक्सप्लोरर को बहुत पीछे छोड़ दिया है। बस आज से एक महीने पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज खत्म हो गया है और गूगल क्रोम दुनिया का सबसे ज्यादा यूज करने वाला ब्राउजर बन गया है। और इसीलिए सुंदर पिचाई की सैलरी भी बहुत ज्यादा है। 2019 में इन्हें सैलरी प्लस स्टॉक्स 280 मिलियन डॉलर्स के मिले थे, यानी करीबन 2,000 करोड़ रुपए। अनडाउटेडली वो दुनिया के हाईएस्ट पेइंग एम्प्लॉयज में से एक है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे इंजीनियर टर्न्ड सीईओ की, जिनका नाम भी हर इंडियन सीईओ के लिस्ट में जरूर आता है।
ये है माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ सत्या नडेला। बचपन में इन्हें पढ़ाई का ज्यादा शौक नहीं था, इन्हें बस क्रिकेट खेलना पसंद था, पर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का साथ तब दिया जब माइक्रोसॉफ्ट की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। सत्या नडेला हैदराबाद से हैं और इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है। इसके बाद इन्होंने अमेरिका में जाकर कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने वहां पर एमबीए भी किया। इनकी लाइफ का एक खास इंसिडेंट सुनते हैं जिसने इन्हें लीडर बनने में बहुत मदद करी। जब ये छोटे हुआ करते थे तो एक दिन बॉलिंग कर रहे थे, उस दिन उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी तो बैट्समैन ने इनकी बॉलिंग में बहुत छक्के मारे, पर हैरत की बात यह है कि इतनी बुरी बॉलिंग के बाद भी कैप्टन ने अगला ओवर इन्हें ही दिया। सत्या ने बॉलिंग फिर कंटिन्यू की, पर उन्हें ये सवाल आगे भी हमेशा खटकता रहा कि उस दिन उन्हें फिर बॉलिंग करने का मौका क्यों दिया। उनसे रहा नहीं गया और उसने अपने कैप्टन से पूछ ही लिया कि उस दिन मैं इतने खराब फॉर्म में था फिर भी तुमने मुझे मौका दिया क्यों। तो कैप्टन ने कहा कि अगर उस वक्त वो उसे बॉलिंग करने नहीं देते तो उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता। सत्या नडेला आज भी इस चीज को सोचकर हैरान होते हैं कि इतना छोटा लड़का इतना अमेजिंग लीडर कैसे बन सकता है, और वो भी उसी के जैसा बनना चाहते हैं। एक दिन जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके प्रोफेसर ने एक बार लैब में एक स्लीपिंग बैग देखा। काफी ढूंढने के बाद प्रोफेसर को पता चला कि स्लीपिंग बैग सत्या नडेला का है और सत्या रिसर्च करके वहीं पर रात को सो जाते हैं, और यही रीजन है कि इतना डेडिकेटेड इंसान आज माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है। सत्या की भी ईयरली सैलरी 2021 में $49 मिलियन बताई गई है, यानी 343 करोड़ रुपीज। 2022 में सत्या को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पद्म भूषण भी मिला है। इसके बाद आते हैं हम एक और अमेजिंग सीईओ की स्टोरी में जिनके बारे में शायद आपने सुना ना हो, और ये है एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण। तो इससे पहले कि हम शांतनु नारायण के बारे में बात करें, अगर आप सुंदर पिचाई, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस या इवन मार्क जुकरबर्ग की डिटेल्ड लाइफ ऑडियो बुक हिंदी में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में 180 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर हम अपने फ्रेंड से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उनसे कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, और गूगल एप्लीकेशन आपका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन सकता है। इस एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। ओके, तो वापस आते हैं एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण जी की अमेजिंग लाइफ के बारे में। इन्होंने भी इंजीनियरिंग कर रखी है और इन्हें भी क्रिकेट का काफी शौक है। ये हैदराबाद से हैं और बाकी सीईओस की तरह इंजीनियरिंग करके मास्टर्स इन्होंने कंप्यूटर साइंस में अमेरिका से की है और फिर उसके बाद एमबीए। पर इनकी कहानी काफी डिफरेंट है। इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई थी पिक्ट्रा, जैसे आज इंस्टाग्राम है बिल्कुल वैसी, पर ये ज्यादा चली नहीं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना ये एप्लीकेशन एडोबी जैसी बड़ी कंपनी को वो बेच दे। जब वो बेचने गए तो वहां उनकी डील को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उल्टा कुछ और ही हो गया। कंपनी शांतनु से इतनी इंप्रेस हो गई कि उन्हें एडोबी में एक बड़ी जॉब ऑफर कर दी। धीरे धीरे उन्होंने और हार्डवर्क करना स्टार्ट किया और एडोबी के लिए इतनी वैल्यू क्रिएट कर दी कि आज वो कंपनी के सीईओ हैं। अब हम बात करते हैं उन रीजंस की जिनकी वजह से शांतनु कंपनी के लिए इतने खास बने। शुरू में एडोबी के प्रोडक्ट्स लोगों को खरीदने पड़ते थे और वो एक बार प्रोडक्ट खरीद कर उसका अपग्रेड वर्जन कभी नहीं खरीदते थे, इसलिए एडोबी की कमाई काफी लिमिटेड थी। शांतनु ने डिसाइड किया कि क्यों ना वो एडोबी के प्रोडक्ट्स सब्सक्रिप्शन के हिसाब से दें। इसकी हेल्प से लोगों को हमेशा अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स मिलने लगेंगे और कंपनी का बिजनेस भी बढ़ता रहेगा क्योंकि हर बार सब्सक्रिप्शन की फीस आती रहेगी। इसके सिवा इन्होंने कभी भी अपने सॉफ्टवेयर की पायरेसी को नहीं रोका। अब हमें से कई लोग सोच रहे होंगे क्यों। उल्टा जब भी एडोबी के प्रोडक्ट्स की पायरेसी होती है तो यूजर के सामने एक मैसेज आ जाता है कि हम जानते हैं कि आप हमारा पायरेटेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और उन्हें एनकरेज किया जाता है कि वो ऐसा ना करें, पर रोका नहीं जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि शांतनु जानते हैं कि उनका सबसे ज्यादा कस्टमर प्रोफेशनल्स हैं, यानी किसी कंपनी में जॉब करते हैं और जॉब में ही कंपनी उन्हें ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, यानी ये लोग पेड कस्टमर्स हैं। पायरेसी वाले लोग 2% के करीब हैं। उन्हें लूज करने से एडोबी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि शांतनु ने डिसाइड किया कि अगर ये लोग एडोबी के प्रोडक्ट्स यूज करते रहेंगे तो शायद उनमें क्रिएटिविटी ज्यादा जाग जाए, और जब वो प्रोफेशनली किसी कंपनी में काम करने लग जाएंगे तो वो मैनेजमेंट को एडोबी के प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए एनकरेज करेंगे क्योंकि वो खुद उन्हीं से फैमिलियर हैं। ये है एक जीनियस बिजनेस आइडिया जो कि शांतनु की क्रिएशन है। And what we're really trying to do is to enable everybody who's a creator to really participate in the creative economy. 2019 में इनकी सैलरी $39.1 मिलियन थी, यानी 280 करोड़ रुपीस। अब हम बात करते हैं ऐसे सीईओ की जो अपनी कंपनी की यंगेस्ट सीईओ हैं और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रखा है। ये है लीना नायर जो कि शनैल की सीईओ है। शनैल एक लग्जरी ब्रांड है जिसका रेवेन्यू $15 बिलियन से भी ज्यादा है। लीना भी एक इंजीनियर है और एक ऐसे कॉलेज में पढ़ी है जहां पर 3000 लड़कों में सिर्फ 18 लड़कियां हुआ करती थी। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं और इंजीनियरिंग के बाद इन्होंने एमबीए किया है और अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। शनैल से पहले उन्होंने यूनिलीवर में काम किया है जहां पर वो सबसे पहली फीमेल, सबसे पहली एशियन और सबसे यंगेस्ट चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर रह चुकी है। अब सुनते हैं खास इंसिडेंट जो उनकी लाइफ में हुआ था और जिससे ये बहुत इंस्पायर हुई थी। 2008 के मुंबई अटैक्स के बारे में हम सब जानते हैं। उस रात लीना अपने हस्बैंड के साथ ताज होटल में थी। बाहर से गोलियों की आवाज गूंज रही थी, हर तरफ डर का माहौल था,
पर एक 24 साल की लड़की मलिका जगत ताज में रुक के हर गेस्ट की हेल्प कर रही थी। वो वहाँ काम करती थी और उसके घर से उसकी माँ का जब फोन आया, उसकी माँ ने उससे पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने उन्हें झूठ कह दिया कि वो होटल में नहीं है। उसने ऐसा इसीलिए कहा ताकि उसकी माँ परेशान ना हो और वो अपनी पूरी जान लगाकर अपनी ड्यूटी कर सके और अपने गेस्ट को बचा सके। उसने पूरी रात अपने गेस्ट की मदद की जब तक उसने उन्हें बाहर नहीं निकाल दिया। एंड में एक गेस्ट ने निकलने से पहले कहा लेडीज फर्स्ट, ताकि वो उस लड़की को भी सेफ्टी की तरफ बढ़ने दे, पर मलिका जगत ने मना कर दिया। उसने कहा कि आज सब गेस्ट पहले जाएंगे, उसके बाद स्टाफ जाएगा और एंड में वो जाएगी। इस इंसिडेंट ने लीना को बहुत इंस्पायर किया और वो भी जिंदगी में कुछ ऐसी ही लीडर बनना चाहती है। लीना मानती है कि उनकी लर्निंग की जर्नी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए हर साल वो कोई ना कोई चीज सीखती रहती है। कभी वो नई लैंग्वेजेस सीखती है जैसे कि स्पेनिश, कभी हॉर्स राइडिंग, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट, तो कभी कुछ और। उन्हें रोल मॉडल ऑफ द ईयर का भी खिताब मिल चुका है और इनकी मेंटर रह चुकी है इंदिरा नुई। इंदिरा नुई एक ऐसी सीईओ है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो पेप्सिको की सीईओ रह चुकी है और उनका नाम कई बार 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में आ चुका है। अब बात करते हैं एक और इंडियन इंजीनियर की जो आज टेस्ला में ऑटो पायलट डिविजन के डायरेक्टर है, और क्या पता आगे जाकर वो ही टेस्ला के सीईओ भी बन जाए, क्योंकि इलॉन मस्क तो इनसे बहुत इंप्रेस्ड है। हम बात कर रहे हैं अशोक एलुस्वामी की, जिन्होंने चेन्नई में अपनी इंजीनियरिंग की और उसके बाद सीएमयू यानी कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में अपनी आगे की पढ़ाई की। टेस्ला से पहले इन्होंने फॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनीज में भी काम किया है। इनकी स्टोरी खास इसीलिए है क्योंकि इनका रिक्रूटमेंट ट्विटर की हेल्प से हुआ है। एक्चुअली बात ऐसी है कि इलॉन मस्क को एक ऑटो पायलट टीम की जरूरत थी और उन्होंने ये रिक्रूटमेंट ट्वीट कर दी। उन्होंने एक ट्वीट में एक लिंक भी डाला था जहां पर कैंडिडेट्स अपना नाम, अपना प्रीवियस वर्क और अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते थे। अशोक पहले कैंडिडेट थे जिन्हें रिक्रूट किया गया था। इलॉन मस्क खुद इस बात को मानते हैं कि अशोक उनकी कंपनी के लिए एक जेम है और अगर ऐसे लोग अपना काम ना करें तो टेस्ला की दुनिया में वो पोजीशन नहीं रहेगी जो कि आज है। इसके अलावा और भी ऐसे सीईओज हैं जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। पराग अग्रवाल जो कि ट्विटर के सीईओ हैं। आईबीएम के सीईओ भी इंडियन ही है, अरविंद कृष्णा। यहाँ तक कि ओनली फैंस के सीईओ अमरापली गन भी ऑरिजिनली इंडियन से ही। तो ऐसा क्या रीजन है कि इंडिया का टैलेंट को पूरी दुनिया में रेकग्नाइज किया जाता है? इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग में देखो तो आपको दुनिया के सबसे बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में सबसे पहला नाम MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिखेगा। इंडिया के IITs आपको बाद में दिखेंगे, पर फिर भी सच तो ये है कि MIT का एक्सेप्टेंस रेट 7.3% है और वहीं IITs का एक्सेप्टेंस रेट 5% से भी कम है। यानी जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनमें से सिर्फ 7% का सिलेक्शन MIT में होता है और 5% से भी कम का सिलेक्शन IITs में होता है। सबसे टॉप IIT बॉम्बे की एक्सेप्टेंस रेट 0.2% है, जिसका मतलब यह है कि हम इंडियंस हार्ड वर्किंग तो हैं ही, इसलिए बड़ी से बड़ी कंपनी कोशिश करती है कि वो इंडियन टैलेंट को हायर करे जो कि उनकी कंपनीज को और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचाए। हमारे इंडियन टैलेंट की मदद से ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी जैसी बड़ी कंपनीज ने भी अपने मुश्किल वक्त में फ्लोट किया है और वापस कामयाबी की तरफ आई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई भी बड़ी कंपनी का सीईओ बन सकता है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें और गीगल ऐप को जरूर डाउनलोड करके एक बार देखें, क्योंकि इसमें कोई रोमांटिक स्टोरीज नहीं है, सिर्फ प्योर एजुकेशनल कंटेंट है जो कि बहुत प्यार से हमने बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में अवेलेबल है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।